दोस्तों क्या हाल है कैसे हैं मैं हूं डॉक्टर जहूर इस्लाम शाहिद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल होम्योपैथी एंड हेल्थ प्यारे दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ होम्योपैथिक मेडिसन अगेरिकस मस्कैरिस यूज एंड बेनिफिट्स शेयर करूंगा मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो लाइक कर दिया करें चलें शुरू करते हैं अगेरिकस एक ऐसी दुआ है जिसकी सबसे नुमायालमत जिसम का कांपना है उजलात की कमजोरी और नफसिया तनाव से असाब और उजलात लरजते हैं हाथ कांपते हैं असाब में झटके लगते हैं और सारे जिसम में कप कपी महसूस होती है एसिमोसा यानी सिमसी फ्यूगा की नुमायाँ भी झटके लगना है लेकिन बुनियादी फर्क यह है कि एक्टिया में मरीज जिस करवट लेटे इसी करवट झटके लगते हैं जबकि गरिकस में सारा जिसम काँपता है राश और तशन्नाश दोनों मिलते हैं आँखें भी लरजती और डोलती रहती हैं और नज़र एक जगह टिकती नहीं एक दफ़ा एक नौजवान इस तकलीफ में मुबतला था मैंने इसे अगेरिकस दी तो इतना नुमाया फायदा हुआ कि आम रोज़मर के सब काम उमदगी से करने लगा वरना यह तकलीफ उम्र के साथ साथ बढ़ रही थी एक दफ़ा एक नौजवान इस तकलीफ में मुबतला था मैंने इसे अगेरिकस दी तो इतना नुमाया फ़ायदा हुआ कि आम रोजमर्रा के सब काम उमदगी से करने लगा वरना यह तकलीफ़ उम्र के साथ साथ बढ़ रही थी अगेरिकस में आंखों की लामते बहुत नुमायाँ होती हैं एक की बजाय दो दो नजर आते हैं आंखों के सामने काले धब्बे नाचते हैं बैंगापन आंखों में जलन खारश और थकावट अमूमी लामते हैं एक जगह नजर को जुमाना मुश्किल होता है और मरीज पढ़ने में दिक्कत महसूस करता है आंखों की पुतलियाँ घड़ी के पेंडुलम की तरह हरकत करती रहती हैं जर्द लेस तार निकलती है जिसकी वजह से आंखें चिपक जाती हैं मरीज़ का दिमाग कमज़ोर होता है दिमागी मेहनत और लिखने पढ़ने से थकावट महसूस करता है ऐसे बच्चे उमूा ज़िद्दी चिड़चिड़े और बहुत हसास होते हैं अगर इन्हें मामूली सी डांट टपट भी की जाए तो सदमे से बेहोश हो जाते हैं एस क्यूलस में येत ज़्यादा मिलती है अगर किसी बच्चे में ये सब अलामतें मौजूद हों लेकिन आँखें दाएँ बाएँ मतहरक रहने की खास अमत ना भी हो तो अगेरिका ज़रूर देनी चाहिए बाज बच्चों में शुरू ही से जहनी कमज़ोरी पाई जाती है सुबह के वक़्त इस काफ़ीत में इजाफ़ा हो जाता है और इन्हें कोई नई बात बताई जाए तो समझते नहीं सुस्त और बेशर से लगते हैं बेहस हो जाते हैं और थकर महसूस करते हैं लेकिन जो जो दिन गुजरता है तकलीफ़ कम होने लगती है शाम के वक़्त या रात के पहले हिस्सा में बिल्कुल ठीक हो जाते हैं हर बात समझने लगते हैं और हाश बिशाश नज़र आते हैं ऐसे बच्चों को एस्क्यूलस दें ये बीमारियां अगरचे अगेरिकस में भी मिलती हैं लेकिन बीमारी के घटने बढ़ने के मखसूस अवात एस्क्यूलस से अगेरिकस को मुमताज़ कर देते हैं अगेरिकस में सबी कमज़ोरी से बसाव का बैरापन पैदा हो जाता है ठंडी हवा लगने से कानों में दर्द सुर्खी और जलन का एहसास होता है सर्दी की वजह से पाँव में भी सोजश और खारिश हो जाती है वो सुरख हो जाते हैं सर्दी की वजह से पाँव में भी सोजश और ख़ारिश हो जाती है और वह सुरख हो जाते हैं बाज़ सर्दी के मौसम में बाहर से गर्म कमरे में दाखिल होने से हाथ पाँव में गहरी खुजली होने लगती है और सुर्खी और वरम नुमायाँ होते हैं इस तकलीफ़ को चिल्बलन कहते हैं हर वह बीमारी जिसमें खून का इजमा किसी ख़ास उज की तरफ हो जाए और इसके नतीजा में तनाव बेचैनी सुर्खी और दर्द पैदा करने वाली ख़ारिश हो इसमें अगेरिकस बहुत मुफीद है बास किस्म की एलर्जियों में भी ऐसी लामतें पैदा हो जाती हैं मसल मलैरिया के इलाज के नतीजे में हाथ पाँव में सोजाइश सुर्खी बेचैनी और सख्त तकलीफ देखारश हो और मरीज़ में अगेरिकस की दूसरी लामतें भी मौजूद हों तो ये दुआ तेज़ बहादब होती है और एलर्जी को दूर करने वाली किसी और दुआ की ज़रूरत पेश नहीं आती एक दो खुराकों से ही अल्लाह के फजल से तकलीफ़ दूर हो जाती है कभी इसकी बजाय फास्फोरस भी मुफीद होती है बाद बच्चों को बोलने में दिक्कत पेश आती है बहुत कोशिश करके बोलना पड़ता है बार बार बात को दोहराते हैं और अटकते हैं इस बीमारी का असल तलक़ खौफ से होता है और इसका नफसयाती इलाज भी ज़रूरी है अमूमा सिट्रामोनियम को गैर असाबी खौफ से पैदा होने वाली बीमारी में इस्तेमाल किया जाता है लेकिन लकनत या हक के मर्ज़ में इसका नुमाया फ़ायदा मुशादा में नहीं आया इसलिए बीमारी की असल वजह को पेश नज़र रख कर दवा इस्तेमाल करनी चाहिए अगरिकस भी लुकनंद में मुफीद साबित हो सकती है अगेरिकस में इंतकाले मरज़ का रुझान भी पाया जाता है बज दफ़ा औरतों में बच्चों को दूध पुलाने के ज़माने में किसी हादसे सदमा या जहनी दबाव की वजह से दूध खुश्क हो जाता है और इसका दिमाग पर गहरा असर पड़ता है ऐसे मौका पर अगेरिकस फायदा मंद है अगर औरत को दूध का उतरे या खुश्क हो जाए और इस दौरान दिमाग पर हमला हो तो इसकी दवा अगेरिकस हो सकती है आम तौर पर दूध सूखने की सूरत में पल्सटीला ज़्यादा मुफीद है लेकिन ये सिर्फ ऐसी औरतों के काम आती है जिनकी इलामत पल्सटीला क्यों वरना दूध जारी करने की और भी दवाएं हैं अगेरिकस में एस्क्यूलस की तरह दर्दों का रुझान और दबाव नीचे की तरफ होता है लेकिन दर्दें ठहरी हुई या सुस्त रो नहीं होती क्योंकि असाब में ऐसी हरकत पाई जाती है जिसके नतीजा में दर्द कभी एक तरफ और कभी दूसरी तरफ लपता हुआ महसूस होता है ऐसी सूरत में अगेरिकस ज़्यादा मुफीद है अगेरिकस के मरीज़ के पेट में बहुत हवा बनती है अंतड़ियों की तबीयी हरकत में कमज़ोरी वाक़ हो जाए और पेट गैरमूली तौर पर हवा से भर जाए तो अगेरिकस मुफीद है नक्सो अमीका भी अंतड़ियों की हरकत को बहाल करने के लिए बहुत जूद असर है और इसके लिए बहुत ज्यादा लामतें ढूंढने की भी जरूरत पेश नहीं आती पेट की आर्जी और मुश्किल दोनों बीमारियों में नक्सो अमीका अच्छा असर दिखाती है ना सल्फ़र की तरह बहुत गहरी और ना एकोनाइट की तरह आर्जी बल्कि दरमियानी काफ़ियत की दुआ है अगेरिकस का मरीज उमूमन गुमसुम होता है और इसकी खास सलामत यह है कि चेहरे के, के साब और उजलात फड़कते हैं यही इलामत अंतड़ियों में भी पाई जाती है अगर अंतड़ियों में बार बार फड़कन का एहसास हो लेकिन नीचे की तरफ हरकत ना हो तो अगैरिकस तवा होगी अगैरिकस में वहमी नज़ारे भी मिलते हैं औरतों के रेम में ज़हरीले मादे पैदा होने लगे तो इनके नतीजा में बेलमूम वहमी नज़ारे दिखाई देने लगते हैं बच्चा पैदा होने के बाद रेम की पूरी तरह सफाई ना हो तो इससे भी जहन पर बुरा असर पड़ता है ऐसी सूरत में पलस्टीला रेम की सफाई के लिए अच्छी अम्मीदार साबित होती है रेम में इन्फेक्शन हो जाए और बहार हो तो सल्फ़र और पायरोजीम 200 सौ ताकत में मिलाकर इस्तेमाल करनी चाहिए अगर ऐसी मरीजा को वहमी नज़ारे नजर आने लगें और इसका दूध भी खुश्क हो जाए तो ओगेरिकस काम आएगी इन्फेक्शन में सल्फ़र और पायरजीम के साथ सलीसिया कालीम्योर फेरम्फास और कालीफास सब को छ की ताकत में मिलाकर देना अच्छा नुस्खा है अगेरिकस में एक्जिमा भी मिलता है इस एगज़िमा की पहचान जर्द रंग के मवाद वाले छाले हैं जो असाबी रेशों के साथ साथ जल्द पर निकलते हैं अक्सर देखा गया है कि असाबी कमज़ोरियाँ एक्जिमा में बदल जाती हैं बाज़ और बीमारियों में भी असाब की रगों के साथ साथ छाले निकलते हैं जो अमूमा हरपज़ की पहचान है जिसकी मुख्तलिफ एक्साम होती हैं लेकिन अगेरिकस हरपज़ की दुआ नहीं है और इसके एक्जिमा और छालों का तल्लक हरपज़ से नहीं है हरपिस बहुत तकलीफ बीमारी है इसको सांप की दूसरी बीमारियों से इम्तियाजी तौर पर समझना चाहिए और इसका बरवक़ सही इलाज करना चाहिए वरना बाज़ दूसरी खतरनाक पचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं मैं पहले सलेशिया कालीफास और काली म्योर दिया करता था जिनसे किसी हद तक फ़ायदा भी पहुँचता था लेकिन बाद में तजर्बा सेबत हुआ कि हरपज़ का बेहतरीन इलाज वो नुस्खा है जो मैं अमूमन सांप बिछू काटे के इलाज में देता हूँ मुकरम आफ्ताब अहमद खान साहब मरहूम को एक बार हरपेज़ का बहुत शदीद हमला हुआ था मैंने इन्हें आर्नी का दो सौ लैडम दो सौ और आरसनक दो सौ में दी लेकिन कोई ऐसा मुन उसका मेरे इलम में नहीं है जो हर दफ़ा काम आए क्योंकि ये बीमारी अपनी तर्ज बदलती रहती है और बेस बदल बदल कर सामने आती है गैरिकमरीज़ को अपने अज़ा पर काबू नहीं रहता हाथों से चीज़ें गिरती रहती हैं अक्सर औरतों और बच्चियों के हाथ से बर्तन गिर कर टूट जाते हैं कोई चीज़ पकड़नी हो तो गिरफ़्त तो मजबूत नहीं होती उंगलियां ख़ुद बहुत खुल जाती हैं शदीद उजलाती दर्दें और तशन् भी पाया जाता है हाथ पाँव में ईंठन होती है अगेरिकस में खाना खाने के बाद खुली ठंडी हवा और सर्द मौसम में तकलीफें बढ़ जाती हैं नींद से तबीयत बहाल नहीं होती दिन भर गंदूदगी छाई रहती है ख़ारिश होती है जिसमें जलन नुमाया है अगेरिकस की दाफ़े सर दुआएँ हैं इबसेंथीम काफिया कैम्फ़र गरिकस को आमतौर पर 30 तक से लेकर 200 ताकत तक तक इस्तेमाल किया जाता है